धोनी नहीं लेंगे आईपीएल से संन्यास। 20 लाख के खिलाड़ी के लिए भिड़ गए माही। अंपायर से ले लिया डायरेक्ट पंगा। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कमाल कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2023 आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। ये फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार धोनी की सेना पांचवीं बार जो खिताब जीतने का इंतजार कर रही है। लेकिन धोनी ने जो क्वालिफायर वन मुकाबला जीता, उसके बाद एक ऐसा बयान दे दिया जिससे फैंस के चेहरे पर खुशी आ गई, और इसके साथ ही 20 लाख के खिलाड़ी के लिए माही मैदान पर एम्पायर तक से भिड़ गए। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। धोनी नहीं लेंगे आईपीएल से संन्यास। आईपीएल 2022 से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2022 आईपीएल के प्रदर्शन के बाद 2023 आईपीएल में भी कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली रखी, और इस बार देखिए धोनी की कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंच गई है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आगे फाइनल खेलने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, इस पर हर किसी के मन में सवाल था। तो महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद एक बड़ा बयान दे दिया। धोनी के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से जब पूछा गया कि क्या ये आपका आखिरी आईपीएल है, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी मैं इस पर कोई फैसला नहीं लेने वाला, मेरे पास 8-9 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। बता दें कि आईपीएल 2023 खत्म होने के बाद आईपीएल 2024 तक धोनी कहीं भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और जब आईपीएल 2024 शुरू होने वाला होगा तो उससे कुछ महीने पहले ही वो फैसला लेंगे कि क्या उन्हें आगे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। धोनी के पैर में चोट लगी है और उसके साथ ही आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को जिता रहे हैं, लेकिन 2024 में क्या धोनी की पैर सही हो पाएगा या फिर धोनी फिटनेस वाइज उस तरीके से महसूस करेंगे कि उन्हें खेलना चाहिए, ये तो धोनी ही बता सकते हैं। लेकिन हम महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर अगर थोड़ी सी भी ताकत बची होगी तो वो अपने फैंस के लिए जरूर मैदान पर उतरेंगे। महेंद्र सिंह धोनी जितना अपने फैंस को प्यार करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जरूर मैदान पर उतरेंगे। तो ऐसे में क्रिकेट का हर फैन यही चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी आईपीएल में खेलते ही रहे और आने वाले सालों में वो चेन्नई सुपर किंग्स को इसी तरीके से जिताते रहे। 20 लाख के खिलाड़ी के लिए अंपायर से भिड़े माही। बता दें कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसमें महेंद्र सिंह धोनी 20 लाख के खिलाड़ी की वजह से अंपायर के भिड़ गए। तो पूरा मामला क्या है जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि गुजरात टाइटंस की पारी के 15वें ओवर के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के युवा गेंदबाज मतीश पतिराना कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो कप्तान धोनी उनसे गेंदबाजी करवाना चाह रहे थे, लेकिन नियम के मुताबिक बाहर गया हुआ खिलाड़ी तुरंत अंदर आकर बॉलिंग नहीं कर सकता, उसे कम से कम 2 ओवर फील्डिंग करनी होती है, इसके बाद ही गेंद डाल सकता है। ऐसे में माही अंपायर के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि पथिराना को गेंदबाजी करने की अंपायर से अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन धोनी जिस तरीके से अंपायर से बहस कर रहे थे उसे देखकर यही लग रहा था कि कुछ दिक्कत है, लेकिन पथिराना ने गेंदबाजी कर अपनी टीम की जीत में भूमिका निभाई। 5वीं बार चैंपियन बनने को तैयार चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब फाइनल पहुंच गई है, और फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स किससे भिड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लखनऊ, मुंबई और फिर गुजरात, इन तीनों में से ही कोई एक टीम चेन्नई को टकराएगी, और चेन्नई सुपर किंग्स अब खिताब जीतने से एक कदम दूर है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से खेल रही है उसे देखकर यही लगता है कि इस बार चैंपियन बनने की असली दावेदार तो चेन्नई सुपर किंग्स ही है। तो दोस्तों, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रों को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।